उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। सरकार की रिपोर्ट के बाद दो गनरों की हत्या हो गई हो, लेन देन को लेकर के, जमीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर सुनाया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए अतीक अहमद की बात को परोक्ष समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के बीजेपी से कनेक्शन के आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि बीजेपी आखिर उमेश पाल हत्याकांड का केस क्यों चलाना चाहती है। अपने एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ये केस इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है। अतीक अहमद का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि उसकी तस्वीर बीजेपी के मंत्रियों के साथ दिखती थी, उसमें पैसों के लेन देन से लेकर जमीन तक की रजिस्ट्री का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी ना जाने क्या छिपाना चाह रही है, उसे बताना चाहिए कि उसकी सरकार के मंत्रियों से अतीक अहमद का क्या कनेक्शन था और उसको किसका समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद दो गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है, लेन देन को लेकर के, जमीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीजों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये सब बयान बीजेपी को घेरने के लिए दिए हैं। दूसरी ओर अखिलेश का ये भी सवाल है कि अब तक सरकार ने उमेश पाल की हत्या करने वाले लोगों को क्यों नहीं पकड़ा। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा है कि जब सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा दी गई थी तो आखिर दो गनर की हत्या करने वाले और बीजेपी के नेता रहे उमेश पाल की हत्या करने वाले लोग अब तक कहां लापता हैं और उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। अखिलेश के सवाल जायज हैं। 24 फरवरी से हुई घटना के बाद अब तक तमाम शूटर्स फरार हैं, सरकार नहीं ढूंढ पाई है। पकड़े गए लोगों की बात कहते हुए सरकार बस ड्राइवर, फंडिंग करने वाले या किसी और को पकड़ने का दावा करती है, बुलडोजर चलाने का दावा करती है, लेकिन अब तक शूटर नहीं पकड़े गए हैं। सरकार पर ये गंभीर सवाल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।